His breathing is normalized. That's it. Yes, ma'am. वेलकम एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में, एंसेस्ट्रल वूम हीलिंग के वेबिनार में। आप में से कुछ लोग हैं जिनको शायद मैं जानती हूँ और कुछ लोग नए भी हैं, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग सब अपना वीडियो ऑन रखें जिससे कि मैं आप सब लोग को देख सकूं, और आप तो मुझे देख ही रहे हैं ऑफ कोर्स। आप सबको पता है कि आज का वेबिनार जो है किस टॉपिक के ऊपर है, और एंसेस्टर वूम हीलिंग की बात जब हम करते हैं तो हम सबको एंसेस्टर्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? कौन कौन एंसेस्टर्स के बारे में जानता है? या एंसेस्टर वर्ड सुना है आप लोग सबने? यस सुना है? ओके। हिंदी में सुना है, इंग्लिश में सुना है, जिसमें भी सुना है, पर सुना तो है, राइट? करेक्ट। सो एनीवे, 1 मिनट, लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट लेट मी गो टू द एक मिनट। ऑफकोर्स आपने सबने गुरु जी ज्ञान के बारे में सुना है। आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो गुरु जी ज्ञान में कोर्सेस करते हैं या कर चुके हैं। सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ राजीव सर एंड पूनम मैम, और यह कोर्स भी इसी एकेडमी में लिया जाएगा और इसी एकेडमी के द्वारा आप सब तक लाया जा रहा है। और ऑफ कोर्स उसका उद्देश्य है कि एज फार एज पॉसिबल हम लोगों तक जो भी हमारे पास नॉलेज है या जो उनके पास है वो सब एक आदान प्रदान हो सके, इन द सेंस कि हम एक दूसरे को सिखा सकें, सीख सकें। सो यह है, कोर्स का नाम है एंसेस्ट्रल होम हीलिंग और मेरा नाम है मोनिका अलवालिया। मैं यहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्सेस लेती हूँ, जैसे कि आप अगर मेरी कोर्सेस के बारे में बहुत थोड़ा सा ही बताऊंगी तो मैंने ऑफ कोर्स एंसेस्टर के ऊपर भी कोर्स लिया है, एडवांस एंसेस्टर हीलिंग का कोर्स, और उसके बाद शमानिज्म पे कोर्सेस लिए हैं, वूम हीलिंग के ऊपर कोर्स लिए हैं, सीबीटी के ऊपर कोर्स लिए हैं, और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पे कोर्स लिया है। इस प्रकार के कोर्सेस मैंने यहाँ पे लिए हैं, बट बाय सो एज अ प्रोफेशन ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, बट आई एम आल्सो इनटू हीलिंग एंड आई वर्क विद सेशंस रिलेटेड टू फैमिली कॉन्स्टेलेशंस, शमानिज्म, थीटा एंड कॉग्निटिव थेरेपीज। सो ये एक प्रकार का मेरा पैशन है। और अब जो कोर्स हम लेके आ रहे हैं वो है एंसेस्टर वूम हीलिंग का कोर्स। इससे पहले हमने मदर वूम हीलिंग का कोर्स किया है और एक वूम हीलिंग का भी कोर्स किया था। ये उसी डायरेक्शन में हमारा आगे की तरफ एक कदम और आगे है। जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, हम अपने विधिवत जो पूजा करते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। सो वेलकम अगेन। ओके, जैसे कि मैंने पूछा था आपसे, आप सबने एंसेस्टर्स के बारे में तो सुना ही है, हर किसी ने सुना हुआ होगा, राइट? आप में से कितने लोगों को हिस्ट्री का शौक था, हिस्ट्री सब्जेक्ट का? हिस्ट्री सब्जेक्ट हर एक की क्लास में होता है,
जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कुछ लोगों को हिस्ट्री अच्छी लगती है, कुछ लोगों को हिस्ट्री बहुत खराब लगती है। सो काजल जी ने हाथ रेस किया है, तो उनको हिस्ट्री बहुत पसंद है कि ना पसंद है? हाँ जी बोलिए, हाँ अच्छी बात लगती आपको है। यस हिस्ट्री मैम। पसंद थी? ओके, सो हाँ हिस्ट्री मेरा भी एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। ऑल दो कई लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने का क्या फायदा है, जो हो चुका है वो तो हम बदल नहीं सकते। पर क्या आप ऐसा विश्वास रखते हैं कि जो हो चुका है हम बदल नहीं सकते? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जो समय बीत गया, कई मुहावरे हैं इस बात पर कि अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुपके खेत, या हम कहते हैं कि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता, है ना? राइट। समय के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ध्यान ऑफकोर्स भविष्य की तरफ रहता है, लेकिन उसके बावजूद भूतकाल कभी हमारे दिमाग से नहीं जाता। भूत और भूतकाल क्या बोलते हैं? राइट, ये दोनों वर्ड्स हमको बहुत फैसिनेट करते हैं, है ना? कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो भूत भूत से भी फैसिनेटेड होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या आप विश्वास ही नहीं रखते हैं उसको? हाँ जी, नहीं विश्वास नहीं रखते बिल्कुल हैं? विश्वास रखते हैं, बिल्कुल ओके, रखते हैं। सो होते हाँ हैं वो जी, भी, होते हैं जैसे हमारी दुनिया है, जैसे सब जीवों में विश्वास हमारी रखते एक हैं। दुनिया है वैसे उनकी भी। हाँ, उनकी भी दुनिया है, और अगर उनकी दुनिया है तो जो लोग यहाँ पर पहले आए थे उनकी भी दुनिया है ना? कि नहीं? बिल्कुल तो दुनिया तो सबकी है, और अब इस दुनिया में रहते हैं तो हमें उस दुनिया से क्या करना है? हम क्यों उस दुनिया के बारे में सोचें या विचार करें? क्योंकि जो हम हमारे साथ घटित होगा, या जो भी हमारे साथ जीवन में होगा, वो तो इसी दुनिया में होने वाली चीजों में से होगा ना? तो फिर हम क्यों विचार करें ऐसे लोगों के बारे में जो आज नहीं है, गुजर चुके हैं, चाहे वो कभी ना कभी हमारे इस फैमिली लाइन का हिस्सा थे, पर आज तो वो नहीं है। तो उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में विचार करके, उनके बारे में जान के, उनसे चीजें कनेक्शन इस्टेब्लिश करके हमको क्या हासिल होगा? ऐसा किसी के मन में ऐसा विचार आता है? आप में से कितने लोग इस बात को से सहमत हैं, या कितने इस बात से दुखी हैं कि हम क्यों बात करें एंसेस्टर के बारे में? आज की दुनिया में क्या गम कम है कि हम उनके बैठकर उनके हिसाब किताब चिट्ठी पिट्टी खोलें और पता लगाएं? हाँ? कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं? कि सब चुप हैं तो इसका मतलब कि सब बोल रहे हैं कि नहीं, हम एग्री ही नहीं करते हैं, हमारा तो कुछ विचार ही नहीं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके कोई विचार या मत रहे जब तक कि उसकी काउंटिंग ना हो। राइट। क्या बोलते हैं आप लोग? एक क्यूरियोसिटी नहीं मैम, तो होता एक एक करके क्या हाँ, हुआ। हाँ वन बाय वन। सो पहले कौन बोलना चाहता है? नंदी जी बोलना चाहती हैं, तो नंदी जी बोलिए पहले, फिर काजल जी बोलिए। क्यूरियोसिटी होता है कि इसके पहले कौन आया था इस दुनिया में, वो लोग क्या कर रहे थे, ये सुधारे उस टाइम में था कि नहीं, उसकी जिंदगी कैसे गुजर रहे थे। निकट वो क्यूरियोसिटी बहुत रहता है मैम, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि पहले क्या हुआ था इधर, तो ये तो सिर्फ उससे परिचित। आपको, हाँ, मतलब आप उसके उनके बारे में जानना चाहते हो कि उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता था, किस प्रकार से वो रहते थे। तो ये स्पेसिफिकली आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना चाहते हो, कि आप ओवरऑल एज अ ह्यूमन बीइंग आप बोल रहे हो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन किस प्रकार से था, आप उसके बारे में दैट बात वी करना नीड चाहते मैम, बट दिस आवर आंसर ऑल्सो वी नीड हो? बिकॉज वी कैरी द डीएनए ऑफ आवर एंसेस्टर्स, सो वी ऑल्सो शुड नो आवर अबाउट आवर एंसेस्टर्स। ये भी है। सो इफ यू नो अबाउट योर एंसेस्टर्स, हाउ विल इट हेल्प? वो आपको कैसे मदद करे? अब हीलिंग सीख रहे हैं, करेक्ट। फील कर सकते हैं हमारे एंसेस्ट्रल पास्ट को। सो मतलब आप बात कर रहे हो, देयर इज अ पास्ट, ऑब्वियसली हर एक का पास्ट है, चाहे वो मेरा पास्ट हो या एंसेस्टर का पास्ट हो, बट वो एंसेस्टर का पास्ट
अगर इंसिस्टर का पास्ट है और आप कह रहे हो कि आप उसको हील करना चाहते हो, तो इसका मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि उस पास्ट में कुछ ऐसा सही नहीं था, या कुछ गड़बड़ थी, या कुछ इस प्रकार की चीजें घटित हुई होंगी उनके साथ जो कि सही प्रकार से नहीं हो पाई, राइट? इज दैट वॉट आप कहना चाह रहे हैं? हाँ नंदी जी, ओके, वी गो फॉरवर्ड. माही जी आप क्या बोलना, उससे पहले काजल जी आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं. यही कि मैम, एक जैसे उन्होंने बोला क्यूरोसिटी तो ठीक है, बट वो हमारे पूर्वज है, हाँ हमारे डीएनए है, हमारा फर्ज भी है और जानना भी चाहिए हमें कि हाँ ऐसा क्या हुआ कि वो गए हैं या नहीं गए हैं, या हमें हमारी उनको कोई हेल्प चाहिए, या फिर कुछ ऐसा है जो उनकी गलती हुई जो हम आगे नहीं दोहराए, ऐसा क्या हुआ जो मतलब कि हम आगे, हम या हमारे बच्चे कोई और गलती ना करे, ताकि कोई और मतलब बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो मतलब वाइट लाइट में नहीं जा पाती है, तो उनको दुख तो होता है मतलब देख के, भले किसी ही कारण रुकी हुई है, बट वो मतलब एक बीच में जो अटके है वो खुश तो नहीं है, तो जानने का और थोड़ा ऐसा कि अगर जानते हैं और अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसमें आप जो दो या तीन इम्पोर्टेंट चीज जो बोल रहे हो, एक है कि आपको ऐसा लगता है कि सबके सब जब मर जाते हैं उसके बाद वो एंसेस्टर्स नहीं बनते हैं और वो कहीं अटके रह जाते हैं, राइट? दूसरी चीज है उनकी कोई ऐसी जरूरतें होंगी या रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको हमें फुलफिल कर सकते हैं, तो हम उन्हें अगर करें तो उससे हम उनकी मदद कर सकते हैं इन गेटिंग ट्रांजिटेड टू द अदर वर्ल्ड, राइट? थर्डली, जी आपने कहा कि जो उन्होंने जीवन जिस प्रकार से जिया, जो भी चीजें उन्होंने की, उसमें से वो जो लर्निंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में, उनको यूज कर सकते हैं फॉर आर ओन वे ऑफ लिविंग द लाइफ. क्योंकि एक जने ने कुछ लाइफ जी है, उसको कुछ एक्सपीरियंस है, वो जब एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता है तो आप क्यों वो चीज को अगर नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, और तो वो नॉलेज को, उनकी विजडम को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके, राइट? जी सो जी वेरी जी गुड हाँ राइट पॉइंट, थ्री ऑफ द पॉइंट्स आर वेरी गुड. ओके, सो एक पॉइंट हुआ जहां पे कि आप उनको लाइट तक पहुंचने चाहने की बात करें. सो दैट इज अ जी पार्ट ऑफ वन हीलिंग वेयर यू आर वांटिंग दैट एंसेस्टर्स बिकम एंसेस्टर्स एक्चुअली, है ना? दे आर नॉट येट बिकम एंसेस्टर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव डाइड, है ना? दूसरी चीज ऑफ कोर्स है कि उनकी विजडम जो है, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो जीवन में उन्होंने देखा या समझा, उसको भी हम इस्तेमाल करें और उसको समझें और अपनी लाइफ को बेहतर करें. वेरी गुड. सो और कोई क्या बोलना चाहता था? माही जी आप कुछ कहना चाहती थी? हेलो मैम, हाँ हेलो, बोलिए. गुड यस मैम, गुड इवनिंग मैम. इवनिंग. मुझे मैं ये कोर्स देख करके इसलिए आई क्योंकि मुझे जानना था कि लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारे उसमें ना पितृ दोष है, हाँ यानी कि कोई जो किसी एंसेस्टर की जो सोल है वो वही प्रेत योनि में अटक गई है और जिसकी वजह से तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, ऐसा मतलब मैंने सुना था. इसलिए मैं इस चीज की तरफ आई कि ठीक है, अगर इस चीज से, इस कोर्स से अगर उनको हीलिंग मिलती है या वो इस मतलब वही जो प्रेत प्रेत योनि है वहां से वो निकल जाते हैं, तो मेरी लाइफ भी आगे बढ़ेगी अच्छे से और उनका तो होगा ही होगा, मतलब उनको भी कहीं ना कहीं हीलिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने ओके ज्वाइन किया. ओके. तो बेसिकली जो आप बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली जब आपने किसी को दिखाया या आपने किसी से कुछ पूछा, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई वजह होगी, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आपकी लाइफ में आ रही होगी यस मैम, या कुछ रिलेशनशिप में चीज. डिफिकल्टीज आ रही थी मेरे. ओके, सो एक ये एक तरह का आपने एक्सपीरियंस किया और वो रिपीटेटिवली हो रहा होगा,
क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो आज मुझे एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई और मैं सोचूं कि अगर ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए मैं एक एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच करूं और बोलूं कि आप मुझे इसका उपाय बताओ। इसका मतलब कि जो यस भी आपके साथ हो रहा होगा वो काफी जगह पे ऐसा हुआ होगा या काफी चीजों में हाँ ऐसा हुआ होगा, और इसीलिए आपने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं मैं किसी से पूछूं कि इसका क्या उपाय है, और फिर उन्होंने हाँ बोला कि ये दोष है, इसके कारण आपको ऐसा हो रहा है। राइट, करेक्ट है ना? एक्चुअली उन्होंने ये भी बताया कि ये जो साइकिल, एक ही साइकिल तो है नहीं, ये बार बार रिपीट हो रहा है साइकिल। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने पे हो रहा है, दो तीन चार बार ये साइकिल रिपीट हुआ, तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम जो है वो सीरियस है, या कुछ किसी कोई चीज है जो मैं मिस कर रही हूँ, या कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तब मैं मतलब उनके पास गई थी और उन्होंने मुझे ये चीज कहा था, मैम आपको सही बता दूं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपके दादा दादी के जो मतलब पापा के जो भाई बहन हैं उनमें से एक दो लोगों की डेथ हुई है। हाँ अब मेरे दादा दादी तो इस वक्त है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो मुझे पता नहीं था कि सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या। पर अभी कुछ कुछ दिनों पहले, 3 to 4 days पहले, मुझे ये पता चला कि उनकी बात वो सच थी। उन्होंने जो कहा था कि मेरे पापा के ही एक दो भाई बहन ऐसे थे जो बचपन में ही उनकी मतलब डेथ हो गई थी, 1-2 साल के अंदर ही। ओके तो फिर जब ये तभी ये कोर्स मुझे दिखा तो मैं सोची शायद मुझे यहाँ से हेल्प मिल जाए। ओके ओके ठीक है। तो बेसिकली एक अननेचुरल डेथ पैटर्न है आपकी फैमिली के अंदर, जहां पे कुछ परिवार वालों का निधन समय से पहले हो, है ना? क्योंकि एक 2 साल में 3 साल में निधन हो जाना तो एक नॉर्मल चीज नहीं है, राइट? हम जब इस जीवन में आए हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो अच्छी तरह से जीवन को जिएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो हमारी फैमिली में, जिनका जीवन बहुत छोटा रहता है या थोड़े समय के लिए ही रहता है, और उस कारण से वो कुछ इम्पैक्ट हमारे जीवन में कर रहा है। दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल यू, है ना? अब वो कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, वो तो एक अलग बात है, यार लेकिन एक कुछ ऐसा चीज आपके तो उल्टा कर रहा है एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताई, जी। राइट? मैम आपका पर्पस ज्वाइनिंग द कोर्स है विद द पर्पस कि यू वांट बेसिकली योर एंसेस्टर्स टू बी सेटल्ड। आप चाहते हैं कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो एंसेस्टर्स बन जाएं इन एक्चुअल इफेक्ट, इन रियलिटी, क्योंकि जब तक वो एंसेस्टर तभी बनते हैं जबकि वह इस दुनिया से उस दुनिया तक पहुंच जाते हैं, वहां पर एक मकाम, एक जगह हासिल कर लेते हैं, है ना? जैसे हम सबकी जगह इस धरती के ऊपर है, हम कहाँ रह रहे हैं? सब जीवित लोगों के बीच में, राइट? तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि ऑब्वियसली जब ये जीवन वालों की जिन दुनिया है, जीने वालों की दुनिया है, तो यहाँ पर जीवित लोग ही रहने चाहिए, डेड लोगों का यहाँ पे कहाँ स्थान है? तो हमारे हिसाब से एक और दुनिया है जहां पे डेड जाता है, विच वी कैन से एज अ लैंड ऑफ डेड, लैंड, जैसे ये लैंड ऑफ लिविंग है ना? राइट? तो अगर वो लैंड ऑफ डेथ में नहीं पहुंचे हैं, वहां मृत्यु लोक में नहीं, मृत्यु होने के बावजूद वो यहीं पर धरती के इसी स्पीयर के अंदर अटके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मुक्ति नहीं मिली है और वो एक पिशाच या स्पिरिट के फॉर्म में यहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि बॉडी तो है नहीं, राइट? तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, अनहैप्पी है, और उनके साथ साथ हम भी अनहैप्पी हैं, हम भी अनसेटिस्फाइड हैं, हमारे जीवन में भी चीजें सही प्रकार से नहीं, राइट? सो ये एक पहलू हुआ जो आप बोल रहे हो इन टर्म्स ऑफ के एंसेस्टर्स नॉट हैप्पी और नॉट बिकम एंसेस्टर बिकॉज दे हैव अनफिनिश्ड बिजनेस और मे बी दे आर नॉट येट सेटल्ड इन देयर लैंड ऑफ डेड। ठीक है, ओके, फेयर हाँ इनफ। सर, इसीलिए मुझे साइंस मिल रहे हैं कि हमें भी देखो या हाँ हमारे बारे में जानो, इसलिए शायद वो पैटर्न बार बार वो हो रहा था। मे हाँ बी तो हो पॉसिबल, सकता है कि वो आपको कुछ चीजों को ठीक करना चाहते हैं और इसीलिए वो आपके जीवन में उस प्रकार से आ रहे हैं, जैसे कि आप उस चीज को जब अपने बार जीवन में बार बार होते हुए देखो और अब तंग हो जाओ, तो ऑब्वियसली आप सोल्यूशन के लिए ध्यान दो, और जब आप सोल्यूशन की तरफ ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं उनका भी निवारण उससे हो जाएगा।
दैट इज वॉट आप बोल रहे, राइट, करेक्ट, ओके। हाँ प्रमिला, आप क्या बोलना चाहते हो? मैम, मैंने ये नोटिस किया और इसलिए मैंने ये कोर्स वेब में आई कि मैंने एक पैटर्न एंसेस्टर में फॉलो देखा है कि हो रहा है, और उसी की वजह से वो फर्दर जनरेशन में भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो उसको ब्रेक करना है, तो मुझे लगा कि यहाँ से हो सकता है उसका सोल्यूशन, यहाँ मिल सकता है, ताकि वो अभी न्यू जनरेशन वापस उसी उसी पेन में या उसी प्रॉब्लम में वापस ना फंसे। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने एंसेस्टर्स के बारे में काफी पढ़ाई की है, आपने एंसेस्टर्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन अक्वायर की है, आपने एंसेस्टर्स के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की, भले ही वो शुरुआत उसकी इससे हुई हो जब आपने कोई चीज अपने जीवन में होते हुए देखी, या अपने आसपास अपने भाई बहन या अपने परिवार में होते हुए देखी, और फिर आपने उसको खोज करने की कोशिश की कि वो पैटर्न क्या किसी और में भी था, और मुझ में और या मेरे परिवार वालों में वो कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, राइट? तो आपने उस खोज में, आपने उस खोज के कारण आपने अपने एंसेस्टर्स के बारे में काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की, और हो सकता है कहीं हद तक आपको ये अंदाजा भी हो कि कौन से एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि वो एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहा है और शायद ये एंसेस्टर के थ्रू आ रहा है, लेकिन उसको ठीक कैसे किया जाए, राइट? सो आप शायद वो स्टेज की बात करें, है ना, करेक्ट? ओके, किसी और को कुछ कहना है, कोई और अपने विचार व्यक्त करना चाहता है कि वो जब एंसेस्टर के बारे में सोचते हैं, वो एंसेस्टर के बारे में जानना चाहते हैं, वो अगर एंसेस्टर वो हीलिंग की तरफ देख रहे हैं तो उनके मन में क्या विचार है, और वो क्या किस कारण से आज इस जगह पर हैं या इस वेबिनार को अटेंड कर। ऑफकोर्स ये वेबिनार फ्री है, ये आप सबको ओपन है, वो तो एक तरीका है, लेकिन हम सब यहाँ पे आए हैं तो हमें जरूर कोई जिज्ञासा होगी, हम में कुछ ऐसा होगा जिसको हम जानना चाहते हैं, हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है, या ऐसा कुछ होगा जो हम अपने जीवन में बदलना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। सो अब जब हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली अगर हम एंसेस्टर वूम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बात आती है कि एंसेस्टर्स हैं कौन, राइट? अभी तक ऐसा लगता है कि आप सबको पता है कि एंसेस्टर्स हैं कौन, है ना, सही या नहीं? आप सबको यस पता मैम, है ना, करेक्ट। आप सबको पता है कि जो आपसे पहले इस दुनिया में आए, और स्पेशली वो जो आपके फैमिली को बिलोंग करते हैं, चाहे वह आपके माँ की तरफ के हों, चाहे वह आपके पिता की तरफ के हों, वो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो इंक्लूड करते हैं आपके सारे ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, अगर इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोले, या हम अगर हिंदी में बोले तो हमारे नाना 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 पर नाना, उसी प्रकार से दादा पर दादा, या जो भी भाषा में आप बात करते हैं, तो जो आपके पहले इस दुनिया में आए पर आपके साथ उनका खून का रिश्ता है एक प्रकार से, वह आपके एंसेस्टर्स है। ये एंसेस्टर्स को ऑफ कोर्स हम बड़ा कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन को और लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज, हमारे अंकल आंट्स, बुआ चाचा ताई, जो हमारे डायरेक्टली हमसे ब्लड के थ्रू रिलेटेड हो या नहीं हो, कजन्स भी, पर वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव्स में है, तो हम कभी ना कभी उनको ला भी सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल टर्म में बात करें तो वो हमारे एंसेस्टर्स अलग है और ये हमारे रिलेटिव्स है। ओके, ठीक है। सो आप मैटर्नल, जैसे मैंने बोला पेटर्नल, तो ये दो साइड्स का हमको अंदाजा है, जब हम मैटर्नल बोलते हैं तो हमारी माँ की तरफ की साइड हो जाती है, जब हम पेटर्नल बोलते हैं तो हमारे पिता की तरफ की साइड। ऑफकोर्स अब आप ये ना ये बात बोलिएगा कि मैं तो शादी है, तो शादी के बाद क्या मेरे हस्बैंड के माँ पिता की वो, ये मैं एक्चुअल आपके माँ पिता की बात कर रही हूँ, ओके? सो उस आप उनके डिसेंडेंट हुए, वो आपके एंसेस्टर हैं, तो आप उनके डिसेंडेंट हुए, और इसमें जो भी डिसेंडेंट आपके बाद भी आएंगे,
चाहे वह आपके बच्चे हो, चाहे वो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो, वह सब डिसेंडेंट कहलाए जाएंगे इन सब एंसेस्टर्स के, राइट? तो एक डायरेक्ट लीनेज है और एक कोलैटरल रिलेटिव्स है, जो मैंने बताया आपको, जैसे कि आपके आंट्स हैं, अंकल्स हैं, सिबलिंग्स हैं, दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं हो, लेकिन वो कोलैटरल रिलेटिव्स में आते हैं, तो वो इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स में आते हैं। और जो ब्लड लाइन के जो डायरेक्ट इसी लाइन के अंदर आते हैं, वो आपके डायरेक्ट एंसेस्टर्स हो गए। अब फैमिली हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? हमको हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद हो ना पसंद हो, लगता हो अच्छा नहीं लगता हो, ऐसा लगता हो उसका फायदा है कि नहीं फायदा है, लेकिन एंसेस्टर हिस्ट्री का तो ऑफ कोर्स फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी, हम क्या हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, किसको बिलोंग करते हैं, किस तरह के कल्चर हेरिटेज को बिलोंग करते हैं, अगर हमें उसका अंदाजा हो, उसके बारे में पता हो, तो जीवन हमारा उतना ही बलवान पूर्वक अच्छी तरह से शक्तिशाली बने। एग्रीड कि नहीं? आपको लगता है अगर आपको आइडेंटिटी हो, जब आपको पता होता है, ऑफ कोर्स आपके आ, आ, हर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, या हर किसी को पता नहीं होगा कि उसके नाना नानी या उससे पहले के पूर्वज कहाँ से आते थे, किधर रहते थे, किस जगह से आए थे, किस कंट्री को बिलोंग करते थे, या जो भी उस समय पे जो भी नाम थे, या जिस जगह का जैसे भी बुलाया जाता था, क्षेत्र को क्या कार्य करते थे, उनके क्या ऑक्यूपेशन था, राइट? ये सब का हो सकता है हमको उतना अंदाजा नहीं हो। हमें एट द मोस्ट हमें अपने नाना 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 नानी तक का या दादा दादी तक का पता होगा। उसके पहले कौन किधर से आया था, क्या करता था, उसका हमने कभी शायद पूछा नहीं हो, और अब हमारे पास वो सोर्स भी नहीं हो जहां से हम पूछ सके, क्या पता लगा सके। ऑल्दो देर आर साइट्स जहाँ पे आप एंसेस्ट्री, अपना डीएनए, अपने ये सब चीजें का रिकॉर्ड्स कई जगहों पे ऐसे मेंटेन्ड होता है। हमारे कई जगह जैसे हम श्राद्ध भी कराने जाते हैं, कई जगह पे हम ये कराते हैं, तो वहां पर कुछ आपके 4 जनरेशन या आपके पहले उससे पहले जो जो एंसेस्टर्स थे वो आए थे, उन्होंने यहाँ श्राद्ध कराया था, ये सब काफी कुछ हमें इंफॉर्मेशन ऐसे मिलती है, राइट? लेकिन तो इसी प्रकार से जो ये इंफॉर्मेशन है, वह हमें सिर्फ ये नहीं दिखाती है कि हमारे परिवार में किस प्रकार के लोग थे, पर कि हम किस प्रकार से जीवन को जिए, किस प्रकार से जीवन में लोगों की तरह को ट्रीट करें, है ना? इवन फीलिंग्स लाइक कंपैशन, लविंग एनीवन, फॉरगिवनेस, सैक्रिफाइसेस, ये सब क्वालिटीज भी हमें कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स से पता चलती है। कैसे भगवान को पूजा करने की, कैसे ट्रेडिशंस फॉलो करने का, किस प्रकार के रिचुअल्स करने की, किस प्रकार के सेरेमनीज करने की, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज के थ्रू ही आ रही। ये अलग बात है कि धीरे धीरे उसमें बहुत बदलाव आ गया हो, उसमें बहुत कुछ मिलावटें आ गई हो, बहुत कुछ मिक्स हो गया हो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैमिली के अंदर मेंबर्स चेंज होते जाते हैं, ट्रेडिशंस अलग होते जाते हैं, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जगहों से लोग आने लगते हैं, तो ये एक प्रकार से वो अपने भी कुछ ट्रेडिशंस लेके आता, तो उसमें कहीं ना कहीं हम काफी कुछ मिक्स हो जाता है या हम भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे साथ उनका काफी कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है, राइट? तो अगर हम अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो वो हमें कनेक्शन देता है, आइडेंटिटी देता है, प्रिजर्वेंस देता है, कैसे हमें अपने को प्रिजर्व, अपने आप को संभाल के अपने हेरिटेज को रखना है, किस प्रकार से हमें चीजों को भुलाने की प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ फॉरगेटिंग बट इन टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस, वो अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर कल्टीवेट करनी चाहिए। किस प्रकार से हमें लोगों से प्रेम भाव रखना चाहिए, लोगों को के पेन को समझना चाहिए, उनके दुख को समझना चाहिए, उनकी तरफ कंपैशन रखना चाहिए, हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए एज गुड ह्यूमन बीइंग्स, किस प्रकार से हम अपने लाइफ में वह चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम अगर जरूरत पड़े तो लोगों के लिए चीजें करें, जिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फलेसनेस एंड सेक्रीफाइसेस,
है ना, और कैसे हम वो ईश्वर के अंदर विश्वास रखें। सो दीज आर टू सम अप के हमारी फैमिली हिस्ट्री के जानने के बारे में हमें उससे क्या मदद लगती है, क्या हम उससे सीखते हैं। राइट नाउ आप कैसे स्टार्ट करते हो? आप लोग मुझे बताइए, आप अपने फैमिली के बारे में, आप लोग में से कितने लोग हैं जो अपने नाना नानी दादा दादी और उनसे पहले एंसेस्टर्स के बारे में जानते हैं? आप लोग के पास किसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है? नहीं है। काजल बोलती है मेरे पास नहीं, तो मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। कहाँ तक का पता है? मुझे मेरे नाना नानी और दादा दादी तक ही पता है, इनसे आगे का नहीं पता। ओके आपके माता पिताजी हैं अभी? फादर नहीं है, मम्मी है। फादर नहीं है, मम्मी है। तो अगर आप अपनी मम्मी से कभी बैठ के पूछोगे तो क्या आपकी मम्मी आपको बताएंगी? बताएं। क्या आपके पास समय नहीं है उनके उनसे पूछने के लिए? नहीं, ये मेरी गलती है, आज तक जानने की कोशिश नहीं तो आप ये महसूस करती हैं कि आपकी गलती है कि आपने आज तक जानने की कोशिश नहीं करी, लेकिन सुना क्या है, कम आप से कम कोशिश तीन से चार करेंगे? पीढ़ी के बारे में तो पता होना चाहिए। हाँ, वो पता होना चाहिए इस वजह से नहीं कि ऐसा रिक्वायरमेंट है या लोग जानना चाहेंगे, या आप कभी कोई सेरेमनी कर रही होगी तो पंडित जी पूछेंगे आपकी चार जनरेशंस के बारे में कौन कौन थे, उनके नाम बोल दो, उसके लिए नहीं। मैं उस विचार से बात नहीं कर रही। पर सपोज अगर आज आपको ऐसा लगे कि अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते भी हो और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगे कि जीवन में मेरे एंसेस्टर से मुझे अगर कनेक्ट होना है तो सबसे पहले मुझे उनके बारे में जानना जरूरी है, तो क्या आप अपनी माँ से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मम्मी आप मुझे क्या क्या बता सकते हो आपकी मदर के बारे में, आपके पिताजी के बारे में, या आपकी नानी के बारे में? है जी बिल्कुल, ना, पूछना चाहोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। हाँ ठीक है, मतलब इस हिसाब से क्यों सोच रही हूँ? नहीं ठीक है, नहीं पूछना चाहूंगी, ऐसे जरूर पूछना चाहूंगी। ओके और ओके मैं आपसे, अच्छा एक चीज पूछती हूँ, आप सबसे पूछते हैं, आप लोग सब जो है पिक्चरें देखते हो, पढ़ाई करते हो, चीजें पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, लोगों के बारे में पढ़ते हो, हर एक को दिलचस्पी रहती है बहुत लोगों के बारे में जानने की, रहती है कि नहीं रहती? आपको आईक्यू अपना हर किसी को बढ़ाने को अच्छा लगता है ना? हम बहुत बार खुश होते हैं, अरे देखो उसको तो इसके बारे में सब कुछ पता है, अरे उसको तो अमिताभ बच्चन के बारे में सब कुछ पता है, अमिताभ बच्चन के फादर के बारे में पता है, वो कैसी कैसी किताबें लिखते थे वो पता है, वो कौन सी कविताएं लिखते थे वो पता है, वो कविता ये कविता है वो भी पता है। तो जब हम औरों के बारे में इतने उत्सुक होते हैं जानने के लिए, तो क्यों हम अपने परिवार वालों के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं होते? क्यों हमारे मन में ऐसा कभी विचार नहीं आता कि हम उनके स्टोरीज को सुने? उनके भी तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी। आपको मालूम है कि पहले जमाने में तो समय बहुत फर्क था, लोगों का रहने का तरीका बहुत फर्क था, बहुत सारी वॉर्स हुई थी, बहुत सारे फाइट्स हुए हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, बहुत सारी ट्राइब्स आई, बिखर गई, बसर गई, चली गई, बहुत कुछ हुआ। तो क्यों नहीं हम उनके बारे में जानना चाहते हैं? और उनमें से जानने का सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे खुद के माता पिता हैं। हो सकता है उनको भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो, वो भी हमारी तरह से ऐसे ही शांत रहे हो, नॉन क्यूरियस रहे हो, और उन्होंने भी कभी अपने माता पिता से पूछा नहीं, या उनके माता पिता ने उनको कभी बताया नहीं। राइट तो क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो बॉक्स के अंदर ही रह गई ना, बात वहीं पे खत्म हो गई, उसका कोई तरीका नहीं है कि हम उनको कर सकें। लेकिन फिर भी ऐसा बोलते हैं और ऐसा एक्सपीरियंस भी है और हम एनर्जी फील्ड में रहते हैं, तो हमें इस बात का ज्ञात है कि हर एक की इंफॉर्मेशन हमारे आसपास अवेलेबल है। जब भी हम उस इंफॉर्मेशन को ट्यून करना चाहें, उस इंफॉर्मेशन को टैप करना चाहें, हम वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि वह इंफॉर्मेशन हमारे ही सर्कल में नहीं, इस धरती पे भी है, धरती पे जो भी कण कण चीजें हैं उसके अंदर भी है, और आपके अंदर भी जो भी सेल्स हैं उसके अंदर भी है।
सो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ये आएगा कि ऑफ कोर्स आप ट्यून इन कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हो. अब आप सोचोगे कि वो इंफॉर्मेशन तो मैंने रिसीव कर ली, बट उसको ऑथेंटिकेट कौन करे, कौन बोलेगा कि एक्चुअल में ऐसा था, राइट? सिर्फ वहां पे आपका ट्रस्ट थोड़ा हिल सकता है, या आप ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा सच में था क्या. अगर मेरी माँ ने मुझे बताया होता, या मेरी माँ होती या पिताजी होते, तो मैं उनसे पूछ सकती थी, कंफर्म कर सकती थी कि क्या ऐसा था कि मेरे दादाजी के दो भाई थे, इनकी इनमें से किसी की एक की ऐसे डेथ हो गई थी, राइट? तो ये हुआ वेयर यू वॉन्ट टू कंफर्म समथिंग. लेकिन अक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन, गेटिंग द इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट इवन गेटिंग इट फ्रॉम योर पेरेंट्स. सो ये इसको हम नॉलेज फील्ड बोलते हैं, इसको हम फील्ड थेरेपी बोलते हैं, जहां हर किसी की इंफॉर्मेशन आपके आसपास अवेलेबल है. ओनली यू हैव टू इंट्यूटिवली ट्यून इनटू दैट साइकिल एंड गेट दैट इंफॉर्मेशन. ओके, सो ऑफ कोर्स अगर आप ऑथेंटिकली घर पे बैठ के करना चाहते हैं विदाउट ट्यूनिंग इनटू दिस इंफॉर्मेशन, तो आप अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, आप कुछ फोटोग्राफ्स चेक कर सकते हो. हो सकता है अगर कुछ ऐसे उस समय के कुछ वीडियो नहीं होते थे, या उस समय पे कुछ पिक्चराइजेशन नहीं होता था, तो वो अलग बात है. लेकिन अगर पिक्चर्स, कैमरास, ये सब चीजें तभी थी, जहां तक भी, तो आप वह इंफॉर्मेशन ले सकते हो. बहुत सारी लिखित चीजें या बोली हुई चीजें भी कभी कभी ऐसे पेपर या कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिनको आप कलेक्ट करके उनके बारे में जान सकते हो, राइट? और फिर जब आप उनको जानते हो, उस खोज में लगते हो, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आती है, राइट? जो लोग आपको पता चलते. सो ये एक इंस्पिरेशन है, ये थॉट है, जिससे कि आप अपने इंसेस्टर्स के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो. विच विल इंक्लूड देयर हिस्ट्री बाय आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाट यू वांट टू लर्न. ओके, अब क्वेश्चन है कि आप ये सब इंफॉर्मेशन को जो उनके बारे में है, जो जिस टॉपिक पर भी है, चाहे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप क्या जानना चाहोगे? ऑफ कोर्स उनमें क्या क्या हुनर थे, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या वो करते थे, उसके अलावा क्या आप ये जानना चाहोगे कि उनको किस प्रकार की बीमारियां थी, किस प्रकार के रोग थे, किस प्रकार के दोष थे, किस प्रकार की चीजें उनके जीवन में सही नहीं थी? क्या आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? कौन बोलेगा? यस मैम, इम्पोर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? आप तो एक, आप इंडिविजुअल हो, आपके अगर हिस्ट्री में, या आपके पेरेंट्स की हिस्ट्री में, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हिस्ट्री में, अगर उनको कोई बीमारी भी थी, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमारे डीएनए सेम होते हैं, हमें भी असर करता है वो बीमारी तो चीज़। कैरी फॉरवर्ड होती है। बीमारी कैरी फॉरवर्ड होती है. ऐसी कुछ बीमारियों का आपने कभी सुना है? बड़ी बड़ी बीमारी तो जैसे कैंसर मेरे होता है, बेटे बट को, हाँ, छोटी जैसे बीमारी, डायबिटीज भी, एक मिनट, एक एक करके, एक डायबिटीज एक मैम, करके. जैसे अस्थमा है, या ओके, मेरे बेटे को अस्थमा, अस्थमा है। तो जब ओके, मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी जनरेशन में तुम्हारे पेरेंट्स साइड या मदर्स फादर साइड किसको है, तो मेरी मदर, मेरी नानी को, मेरी मासी को, इन सबको प्रॉब्लम है सांस की, तो वो मेरे बेटे में आई. और मेरे ब्रदर को मिल्क एलर्जी थी, तो वो प्रॉब्लम मेरी बेटी में आई. तो हमारे इंसेस्टर जो पीछे से चलती आ रही प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में या हमारे अंदर होती हैं. तो आई थिंक डीएनए, जो आपने ये इंसेस्टर वूम हीलिंग का सेशन है, उसमें हम वूम, जो हमारे एंसेस्टर जिस प्रॉब्लम से उनकी डेथ हुई होती है, वो अपने वूम में लेके आते हैं, तो हम उसको वहां पे हील करते हैं. तो आई थिंक ये वो सेशंस, ये हीलिंग्स उसमें आती हैं. आई थिंक सो, ओके कि हमारे आगे बच्चे, हमारी जनरेशन आगे ठीक रहे. ओके ओके, तो आपने बताया अस्थमा है, वेरी गुड। यस, तो एक बीमारी है जो आपने देखा आपके अंदर है, डॉक्टर ने भी आपसे पूछा, मतलब इवन अ डॉक्टर वांट्स टू नो कि ये क्या आपकी फैमिली में किसी और को थी, राइट? दैट मींस मेडिकली इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट, राइट, कि देर यस आर डिसीजेस, डिसऑर्डर्स विच आर इनहेरिटेड, विच आर जेनेटिकली पास, विच आर इन आर डीएनए, विच समवेयर वी आर फेसिंग, राइट? करेक्ट, ओके, परफेक्ट। यस मैम, वसुधा आप क्या कहना चाहते हो?
आवाज म्यूटेड हो ना। हाँ जी हाँ हेलो मैम मैम हाँ इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन फिर उसमें हमको क्या करना चाहिए? जैसे आई वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड बाय माय बुआ, सो इन दैट हाँ केस मतलब फिर मैं एंड आई डोंट हैव पेरेंट्स, बोथ द सेट्स ऑफ पेरेंट्स, ओके तो या हाँ बट यू डोंट हैव पेरेंट्स मतलब दे आर नॉट देयर बट दे वर देयर हु गेव यू बर्थ है ना। यस तो या आपका कनेक्शन तो है, आपने इनहेरिट तो उनसे किया है। देर आर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, देर आर अडॉप्टेड पेरेंट्स है ना। सो यस बोथ द मैम पेरेंट्स हैव अ रोल टू प्ले राइट। सो जेनेटिकली लॉट ऑफ थिंग्स यू विल रिसीव थ्रू योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स बिकॉज ऑब्वियसली द ब्लड लाइन इज फ्रॉम देयर राइट। जब आपको कोई अडॉप्ट कर देता है या कोई ले लेता है, उसके अलग पहलू होते हैं, अलग चीजें जो लाइफ में आपको इम्पैक्ट करती हैं राइट। इन टर्म्स ऑफ मे बी हाउ यू बिहेव और व्हाट यू फील और व्हाट इमोशन आउटबर्स्ट यू मे हैव बिकॉज यू कम टू नो दैट यू आर बीन अडॉप्टेड राइट। सो दैट इज वन थिंग वेयर यू मे एक्सप्रेस इट बट इट्स नॉट दैट इट इज देयर इन योर ब्लड बट यू मे ओके एक्सप्रेस इट एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मे अक्वायर सर्टन थिंग्स राइट। जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आता है और मैं रिपीटेटिवली गुस्से में ही रहती हूँ, फ्रस्ट्रेशन में ही रहती हूँ, तो मेरे अंदर वह प्रकार के हॉर्मोन्स, वो प्रकार की चीजें डेवलप होती हैं जो वो बीमारी को ला सकती है मेरे जीवन में राइट। एंड इसकी वजह से मैं उसको फेस करती हूँ। सो ऑफकोर्स दोनों चीजें हैं। सो यस दैट विल बी ऑल्सो डेल्ट हियर इन टर्म्स ऑफ बट इट इज नॉट इन इट इज नॉट समथिंग विच यू हैव इनहेरिटेड, इट इज समथिंग विच यू हैव अक्वायर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके ठीक है या सो वॉट वी हैव अंडरस्टूड इज के देर इज सम हेल्थ पैटर्न्स जो हमारे एंसेस्टर्स एल्डर्स में होता है और वो हम तक भी पहुंचता है। जरूरी नहीं है कि हर भाई बहन सब में वह पैटर्न हो, सब वो डिसीज को फेस करें। ये भी हमने देखा है कि फैमिली में ऐसा नहीं है कि अगर एक को कैंसर है, एक को अस्थमा है, तो सारे भाई बहन जितने भी पैदा हुए सबने सबको अस्थमा हो, ऐसा नहीं होता राइट। सो कुछ लोग कुछ जीन्स को अक्वायर करते हैं। सो देर इज अ बिग साइंटिफिक स्टडीज एंड यू नो ऑन जीन्स एंड एवरीथिंग देर इज। सो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफकोर्स शोज दैट इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी विल हैव द सेम पैटर्न और एवरीबडी विल अक्वायर द सेम थिंग। एंड इट इज नॉट दैट इट इज बीन बाय कंपल्शन पास्ड ऑन टू यू बट समवेयर यू गेट सर्टन पार्ट ऑफ इट थ्रू द योर फॉर्मेशन। ओके ठीक है। सो ये इसके लिए हमारी हिस्ट्री रिसर्च हिस्ट्री को जानना जरूरी। सो जैसे आपने कहा कि आपको अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं या कुछ जानकारी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी के पास तो इसकी जानकारी होगी ना। तो अगर जीवन में आपको ऐसे कुछ रोग हैं, ऐसे कुछ इश्यूज हैं, ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि वह आपकी वजह से नहीं बट पहले से आपके अंदर आ रहे हैं, या आपके जीवन में उसका कोई कारण नहीं है होने का लेकिन पर भी है फिर भी राइट, तो आप उसके लिए वह खोज की तरफ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन है कि सपोज हो सकता है कि आपको उनके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं, देर इज नो डिटेल अवेलेबल, देर इज नथिंग अवेलेबल। सो देन वॉट हैपन्स इज वी गो थ्रू दिस एनर्जी फील्ड राइट। सो देर इज अ फील्ड थेरेपी जहां पे यू कनेक्ट टू द फील्ड थेरेपी, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द फील्ड थेरेपी एंड यू गेट आंसर्स फॉर ऑल योर थिंग्स। ओके राइट। जैसे कि आप रेकी देखते हो, किसी को कुछ करते हो, आप बॉडी के अंदर तो नहीं घुस रहे हो राइट, लेकिन फिर भी आपको पता है कि बॉडी के अंदर कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ पर फ्लो अटका हुआ है, कहाँ पे चीज ठीक से नहीं है। सो दैट इज इंट्यूटिवली द सेम वे यू यूज दिस फील्ड फॉर गेटिंग ऑल द आंसर्स टू योर इश्यूज। ओके नाउ सो इन नेट नट शेल अगर हमें हमारे फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता होता है तो हम अपने जीवन में ज्यादा कंट्रोल ला सकते हैं, हम जीवन को ज्यादा अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमारी सेल्फ एस्टीम हम भी बढ़ती है और जीवन सक्सेसफुली भी जी सकते हैं।
जैसे कि आप हैं, मे बी समवेयर आपकी सेल्फ एस्टीम भी अफेक्टेड होती, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आपको नहीं रखा, तो वो आपकी वैल्यू आपकी आंखों में गिरा देता है। भले कोई भी कारण होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या ये इंटरचेंज हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्चुअली बुआ चाहती थी कि आपको ले, उनके मन में उनके बच्चे नहीं थे या उनके परिवार में कुछ कमी थी जिसको वो फुलफिल करना चाहती थी, और आपके पेरेंट्स ने एक प्रकार से उनको उस प्यार के द्वारा दिया। लेकिन वह प्यार नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि ये मेरा एक प्रकार से तिरस्कार हुआ क्योंकि मुझे वहां से इधर भेज दिया गया है ना, राइट? तो वो भी मेंटली हमारे माइंड को अपसेट करता है और हमारी सेल्फ एस्टीम उसकी वजह से नीचे हो जाती है या गिर जाती है। और जब हमारी सेल्फ एस्टीम नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमको जीवन में हम वैसी चीजें इनवाइट करते हैं या वो चीजों में घिरे रहते हैं, या स्ट्रेस रहता है या कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सी ऐसी चीजें हम कर लेते हैं। सो एक तरफ हुआ फिजिकल प्रॉब्लम्स जो कि वैसे ही हमको डीएनए के थ्रू आ रही है, दूसरी चीज ऑल्सो मेंटल इश्यूज, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में ऐसे भी बहुत से लोग थे जो जल्दी से गुस्सा हो जाते थे, जल्दी से नाराज हो जाते थे, जल्दी से थक जाते थे, जल्दी से रिएक्ट कर जाते थे। तो वह सब भी हम में क्वालिटी है। हमने, जैसे मैंने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया है, ये मेरी डॉटर को मैं देख रही थी, तो जैसे मेरे फादर देखते हैं, या जबकि वो दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन उस और शायद वो एक दूसरे को एक तरह से ऐसे भी नहीं चाहते कि वो अपनाना चाहते हैं वो पैटर्न को, लेकिन कहीं ना कहीं उनका तौर तरीका देखने का चीजों को और बोलने का और टिप्पणी करने का बहुत बार उसकी भाषा में, बहुत बार उसके तरीके में आ जाता है। सो अनकॉन्शियसली शी इज फॉलोइंग दैट पैटर्न, राइट? एंड मे बी इवन टेकिंग द डिसीजंस इन दैट वे, राइट? सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीवन में। आप कैसे डिसीजंस लेते हो, किस चीजों को अपने लाइफ में अपनाते हो, क्योंकि अगर आप करेक्ट डिसीजंस रहते हो तो आप करेक्टली जीवन में मटेरियल चीजें अक्वायर करते हो, पोजेस करते हो चीज। जैसे कि अगर आपकी फैमिली के अंदर ऐसा ट्रेडिशन है जहां पे के लैंड के अंदर वो इन्वेस्ट ही नहीं ठीक से कर पाए, लैंड पे हमेशा धोखा ही मिला, फैमिली ने कभी भी घर में, बहुत सारे हैं जैसे मेरे फादर बोलते हैं कि मेरे दादा को शौक नहीं था कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने, उनको शौक नहीं था पैसा होने के बावजूद भी कि पैसे को घर में खर्च करो और घर लैंड अक्वायर करो, पर आसपास वाले चाचा, उनके भाई बहनों ने तो ऐसा किया, उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज अक्वायर की। तो आपको इस बात का दुख होता है कि वहां उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो देखो अगर वो उन्होंने किया होता तो मुझे भी ऐसा मिल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हेट्स हिम फॉर दिस, कि उन्होंने भी प्रॉपर्टी में पैसा खोया। ओके, सो ये एक पैटर्न हुआ रिलेटेड टू द मेटीरियल वर्ल्ड, पोजेशंस एंड ऑल दैट थिंग, राइट? वो भी कहीं ना कहीं हमको डिसीज वाइज, डिसऑर्डर वाइज अफेक्ट करती है, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर ओनली, नॉट अ प्रॉपर ऑर्डर द वे लाइफ शुड गो, राइट? सो एज वी टॉक्ड अबाउट दिस, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोग सब बता रहे थे, जैसे कि डिसीजेस की हमने बात की, आपने बोला अस्थमा है, उसी प्रकार से हार्ट की डिसीजेस में भी काफी इनहेरिटेंस होता है। ओके, स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर्स हैं या ये सब है, तो उसमें बहुत बार डॉक्टर्स आपके मेडिकल हिस्ट्री में पूछते हैं क्या आपके माता पिता में हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर ये सब है, तो आपके चांसेस ऑफ हैविंग इट इज ऑल्सो देयर। ओके, सो वेरियस डिसीज क्यों होती है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है और वो किस प्रकार से आपके जीवन में आती है, वो है। ओके, सो जैसे कि मैंने ब्लड प्रेशर की बात की, सो फैमिली हिस्ट्री इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ गेटिंग इट एट अ यंगर एज, राइट? उसी प्रकार से आपने अस्थमा कहा, सो यस, अस्थमा इज ऑल्सो समथिंग विच यू गेट इट, एंड अगर आपके पेरेंट्स को है, सिबलिंग्स को है, चिल्ड्रन को है, तो भी आपका आपका भी चांसेस ऑफ गेटिंग इट इज ऑल्सो देयर। सो इट्स नॉट जस्ट कि
पीछे की तरफ से ही, बस आसपास भी अगर आपके उसमें सिबलिंग्स या इसमें है तो आपको भी चांसेस होते हैं कि आप वह अक्वायर करें, राइट? सो ऐसे बहुत सारी डिसीजेस हैं, डायबिटीज हैं, हमको मालूम है कि डायबिटीज अगेन, और हमको ये भी मालूम है कि कितनी तादाद में डायबिटीज इज कॉमन टुडे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट शुड बी मोस्ट अनकॉमन, बट इट इज द मोस्ट कॉमन डिसीज और दिस थिंग। हाँ माही, आप क्या बोल रहे हैं? मैम, ये जरूरी है क्या कि इंसान, मतलब ये जो अस्थमा है वो कहीं से एक्वायर ही हो? मतलब मुझे भी अस्थमा है, बट मेरे किसी फैमिली मेंबर में या दादा दादी में तो नहीं रहा है। नहीं देखो, कोई भी चीज की शुरुआत कहीं से होती है, ऐसा जरूरी नहीं कि शुरुआत पीछे से हो, शुरुआत आपसे भी हो सकती है, राइट? ये इनहेरिट करो ऐसा जरूरी नहीं, यू कैन बी मैम द कई बार फर्स्ट वन। ना, हाँ मैम कई बार अगर अस्थमा नहीं होता लेकिन हमें कुछ ना कोल्ड एंड कफ रहता है, रेशा बनता रहता है। जरूरी नहीं अस्थमा ही हो, लेकिन इंसेस्टर हमारे पेरेंट्स में या खुद में या सिबलिंग्स में, नान के साइड दा किसी को कोल्ड कफ ज्यादा रहता होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो थोड़ा सा ज्यादा होके आ गया होगा, ये भी हो सकता है। अस्थमा ही नहीं होता लेकिन किसी को जल्दी कोल्ड कैच हो जाता है, किसी को डस्ट एलर्जी हो जाती है, तो वो कुछ ना कुछ होता रहेगा। एलर्जी क्या कह रहे हो? सॉरी, एलर्जी देखो वो ये जो ये बात कह रही है ना, हाँ, तो जो मुझे अस्थमा, डॉक्टर कि ये जो है आपका, मतलब ये वैसे नहीं है, हेरिडिटी की तरफ से नहीं है, ये इन्वायरमेंटल हुआ है, उन्होंने एनवायरमेंट कोई की वजह बताया। से, करेक्ट। हाँ लेकिन देखो आप ये बोल रहे हो तो आपको एनवायरमेंट की वजह से हुआ है, राइट? आपको अंदाज, आपको तो पता है, सिर्फ आपके नाने तक या दादा के तक पता है ना? पर हो सकता है कि बहुत जनरेशन्स पहले थी, जैसे कि शिप्रा ने भी कहा कि कुछ किसी को कोल्ड या कफ रहता हो या उनको किसी एनवायरमेंट से एलर्जी रहती हो और वो इतने इंटेंस फॉर्म में नहीं हो। आज उसको नाम, अस्थमा का नाम जो है वो तो मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल के हिसाब से ऐसा है, राइट? है ना? बहुत साल पहले, बहुत जनरेशन पहले शायद उसका नाम भी ऐसा नहीं होगा, कोई ये जानता भी नहीं होगा कि इस बीमारी का क्या नाम है। आज जैसे कि आप, कितनी बीमारियां हैं जो आज की उपज है या आज इस दिन में इस टाइम पे उसको ये लेबल दिया गया है या उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज दिस, राइट? बट जब वो पहले एग्जिस्ट करती थी, दे मे हैव एग्जिस्टेड इन सम अदर फॉर्म, है ना? और दूसरी चीज है, चाहे वो अगर आज आपसे भी शुरू हुई तो आप भी तो किसी के एंसेस्टर कभी बनोगे ना, मैम, तो मैंने चाहती कि मेरे से स्टार्ट हो, मैं चाहती हाँ ये क्योर हो जाए, ये खत्म हो जाए। हाँ करेक्ट, राइट? सो देर देर मस्ट बी सम रीजन व्हाई यू गेट अ डिसीज, ओके? हर एक ऑर्गन की, हर एक जो प्रतिक्रिया हमारे जीवन में होती है, हर एक फिजिकल एलिमेंट के पीछे, हर एक बॉडी एक के पीछे, हर एक पेन्स के पीछे, हर एक डिसफॉर्मिटी के पीछे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, इमोशनल फंडा उसके पीछे होता है, ओके? अगर हम, तो हम जो एनर्जी फील्ड में काम करते हैं, ऑफकोर्स मेडिकल साइंस अपनी तरह से काम करते हैं, उसके पास एक पर्टिकुलर अपने मापदंड है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपने तौर तरीके हैं, अपनी टेक्निक्स हैं, वो तो एक हो। लेकिन आप जब कोई डिसीज को अक्वायर करते हो, उसको अपनाते हो, उसको जीवन में लाते हो और अपने जीवन में उसको बढ़ने देते हो, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय आपकी सोच विचार पे भी जाता है ना, कि नहीं? इसीलिए जो हम बात करते हैं, इसके नेक्स्ट चीज है कि देर इज एन इमोशनल लैंग्वेज ऑफ एनी ऑर्गन, हर ऑर्गन का, चाहे उसका एक साइंटिफिक नेम है, चाहे वह आपका हार्ट है, चाहे वह आपका लंग है, चाहे आपका लिवर है, चाहे आपका कोई भी और कोई और स्टमक है या कोई और इंटेस्टाइन ऑर्गन है, वहां सब ऑर्गन्स के अंदर एक इमोशन स्टोर होता है। तो ऑफकोर्स अलग अलग तरह की थेरेपीज में अलग अलग विचार हैं। जब हमारे कोई पर्टिकुलर पेन होता है तो उसका सिग्निफिकेंस या उसका मतलब क्या है, व्हाट इट डिनोट्स,
What is the belief behind that pain and from where that belief is coming? Okay, so वह आपकी खुद की है या आपके एंसेस्टर्स की है, वह उससे हम पता लगा सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उस प्रकार से उसके ऊपर काम कर सकते हैं. ओके, तो अगर देखा जाए तो आपके ये सात या पांच छह तरह के जो हमारे नॉर्मल एक इमोशंस होते हैं, वो होती है जैसे कि जॉय है, वरी है, ग्रीफ है, फियर है, फ्राइट है, एंगर है, एंजाइटी है, और इसके रिलेटेड हर एक ऑर्गन है. मीन्स ये एक ऑर्गन उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज को दर्शाता है. ओके, तो अगर आप पेन एक्सपीरियंस करते हो, जैसे लेडीज हैं मेनस्ट्रुअल पेन होता है, पर हमको ऐसा लगता है मेनस्ट्रुअल पेन इज बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग द पीरियड्स और देर इज अ फ्लो ऑफ ब्लड और देर इज समथिंग हैपनिंग इन आर बॉडी विच इज कॉजिंग दैट, राइट? बट कभी कभी हर एक को तो पेन एक्सपीरियंस नहीं होता. कुछ लोगों को ज्यादा पेन एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, कुछ लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि कई दिनों तक रहती है. सो दे कैन बी एन एंगर विच हैज नॉट बीन एबल टू गेट आउट ऑफ योर बॉडी एंड समवेयर इट इज शोइंग इन फॉर्म ऑफ द पेन. ओके, सो इसी प्रकार से कोई भी आपका इमोशन है, जब उसको सही तरीका नहीं मिलता अपने आप को एक्सप्रेस करने का, सही तरीका नहीं मिलता उसको अपने आप को बाहर जाने का, तो वो आपके अंदर रहता है, आप उसको पकड़ के रखते हो, छुपा के रखते हो, और वह शो करता है इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ अ पेन और एक और प्रॉब्लम. तो जब वो प्रॉब्लम की तरह दिखता है तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज एन इश्यू. टिल देन, बिफोर दैट, इट वॉज एन इमोशन, इट वॉज समथिंग विच वॉज नॉट अलाउड टू बी एक्सप्रेस्ड, इट वॉज अ सप्रेस थिंग, राइट? एंड दैट्स वाई इट टुक फॉर्म ऑफ दैट डिसीज. डिसीज मीन्स वॉट? यू आर नॉट एट ईज, you are not comfortable with that body, right? Correct. So जैसे कि अभी joy है ना, वो हमारे heart से related है, क्योंकि हम खुश होते हैं तो कहाँ express करते हैं? हमारे हृदय के द्वारा. अब joy का जरूरी नहीं है कि वो हमारा एकदम अच्छा joy हो, कभी कभी वो over joy का मतलब कि हम over excited हो जाते, hyper हो जाते, है ना? वो भी एक जॉय का ही फॉर्म है, लेकिन हम उसमें ज्यादा एक्सटेंड कर, वह दर्शाएगा इन टर्म्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, हाइपर डिस्टिंग, और उसके कारण एक्सेसिव इश्यूज हो सकते हैं या इम्बैलेंस हो सकता है कि आपको नींद नहीं आए, आपको सोने को नहीं हो रहा, क्योंकि आपके हार्ट में जो जॉय है लेकिन वो एक्सेसिव है, वो आपको सोने नहीं दे रही, हाइपर आप फील कर रहे, बॉडी को रिलैक्स फील नहीं करने दे रही, काम फील नहीं होने दे रही, राइट? सो ये एनी एनर्जी ऑल्सो, जब वो कम हो तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो तो भी वो प्रॉब्लम है, राइट? सो एनीवे, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग. सो कोई भी पेन है, कोई भी डिसऑर्डर है, इसका मतलब आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है. आपको समझना है कि उस चीज के पीछे क्या थॉट है, उसका क्या विचार है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम है. जैसे कि सपोज आपको फियर्स है, किसी भी चीज के फियर से, चाहे आपको फियर है किसी इंसेक्ट्स के, फियर है किसी हाइट के, फियर है वाटर के, फियर है फायर के, फियर कोई भी चीज के है, अगर वो चीज जीवन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो फियर आपके शरीर में कैसे दिखाई देता है, किस प्रकार से दिखाई देता है, कब से शुरुआत हुई, किस समय से शुरुआत हुई, किस जगह पे, किस कारण से शुरुआत हुई, ये जब आप उस पर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ से आपके अंदर आ रहा है. फिर आप उसको कनेक्ट करते हो वो फैमिली मेंबर से या कहाँ जिसके द्वारा आपको वो मिला है, राइट? और फिर हम उस पर वर्क करते हैं बाय हीलिंग इट. सो ये प्रोसेस इस एंसेस्टर होम हीलिंग के अंदर होगा. ओके, किसी को कुछ पूछना है, कोई बोलना है? सो बेसिकली हमारी एक फील्ड सेटिंग होगी जिसके हम अंदर हमारी फैमिली, हम वो देखेंगे. जब हम अपना इंटेंशन रखेंगे कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये इश्यू है, ये पेन है, ये डिजीज है, वो पेन का किधर
कैसे दिखाई दे रहा है, कहाँ तक, कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, उसको हम लोग अनमास्क करेंगे और फिर हम उसके ऊपर हीलिंग करेंगे थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें कि हम उसको ऑफकोर्स एक्सेप्ट करते हैं पहले वो प्रॉब्लम को, उस फॉरगिवनेस की चीज करेंगे और फिर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज फॉर दिस वी विल बी इन्वॉल्विंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड दैट इज हाउ वी विल वर्क. ओके. सो ऑब्वियसली हम वही पैटर्न्स देखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं, जो सिमिलर तरीके से आ रहे हैं, सिमिलर सिचुएशंस में आ रहे हैं, जिनका पहले भी कुछ कुछ लोगों के जीवन में वैसी ही सिचुएशंस थी, वैसे ही प्रकार की चीजें हो रही थी. इसीलिए हमें समझ में आएगा कि ये साइकिल है जो रिपीट हो रही है और हमें उस साइकिल को ब्रेक करना है, और जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो ही उसका फुल स्टॉप होगा, तो ही वो चीज वहां पर खत्म हुई है. हाँ, अभी आप लोग तीनों के हाथ रेज हुए हैं तो आप लोग पूछना चाहते हो कि पहले की हाथ रेज है? प्रमिला, आपका हाथ रेज है, पहले का ही है? नहीं, अभी पूछना चाहती हूँ मैम, ये जो आपने सब बताया, क्या हम अपने हस्बैंड का भी एंसेस्टर होम हीलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकती, किसी का भी वूम हीलिंग कर सकते हो आप, अपना भी, अपने हस्बैंड का भी, अपने क्लाइंट का भी, किसी का भी वूम हीलिंग कर सकते हो, ओके, बस ये क्लैरिटी. करेक्ट. यस हम एक मेडिटेशन करेंगे अभी. हाँ, उससे पहले और किसको? माही जी, आप बोलिए. मैम, मैंने PLR भी किया था, उससे भी जो रिपीटेटिव साइकल्स होता है और ये जो अस्थमा का उन्होंने बताया, मतलब उसमें भी चीजें कैसे पता चलेगा कि ये एंसेस्ट्रल वाला है कि ये पहले के पास्ट लाइफ से रिलेटेड है? मेन नहीं चीज क्या है? नहीं देखो, जब आप फील्ड के थ्रू करते हो तो अगर आपको वो एंसेस्टर से नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज सी कि वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट. मेन चीज क्या है, ये नहीं है, इसमें से किसी भी तरफ से आ सकता है. तो दोनों चीजें यहाँ पे कवर, इसीलिए रिग्रेशन थेरेपी भी रखी है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि इट हैज टू कम थ्रू द एंसेस्टर्स ओनली, इट कैन कम थ्रू योर पास्ट लाइफ ऑल्सो. जैसे मुझे ये जो है अस्थमा, ये पास्ट लाइफ से आया है, ये मैंने पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन उसमें देखा था, क्योंकि करेक्ट. एक्सपर्ट से पता चला कि डॉक्टर्स ने, क्योंकि पता है किसी किसी के साथ भी अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि आपके फैमिली में तो किसी को नहीं है या किसी को भी, तो फिर वो चीज में नो आया तो मुझे लगा कि पास्ट लाइफ से इशू है, तो मैंने वहां से वो चीज मुझे क्लियर हो गई, वो पास्ट लाइफ से आया था. पर ये जो रिपीटेटिव साइकिल है, वो जो मैं रिलेशनशिप की बात की, उसमें कैसे पता चलेगा कि ये एंसेस्ट्रली था या ये पास्ट लाइफ इशू है? मुझे किस तरफ जाना चाहिए? नहीं देखो, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए. आप दोनों तरफ देखने की कोशिश करते हो, जो चीज आपके सामने आती है वो चीज को आप एक्सेप्ट करते हो, समझे? इन द सेंस, आप पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे इसको करना पड़ेगा कि मुझे इसको करना पड़ेगा. आप ये बोलोगे कि आपका ये इंटेंशन है, आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो आपके अंदर जो ये इश्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, राइट? तो वो अपने आप आपको आएगा कि वेदर इट इज कमिंग थ्रू द एंसेस्टर और इट इज कमिंग थ्रू द पास्ट लाइफ. आप मेरी बात समझे मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ. नहीं, देखो समझे कि हाँ, अभी आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि आप एक सिर्फ एक ब्लैंक वो देख रहे हो ना, मतलब आप वो एक्चुअल में कैसे हो रहा है वो नहीं देख रहे, राइट? सो जैसे कि आपने बोला कि आपने एक्सपीरियंस किया कि आपका अस्थमा का जो इश्यू है वो आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है, राइट? सो क्या आपने वो पास्ट लाइफ में विजिट किया? क्या आपने वो पास्ट लाइफ को देखा? क्या आपने हाँ, देखा मैंने कि आपके देखा पास्ट लाइफ में देखा क्या हुआ था कि आपको वो अस्थमा आया? यस, मैंने वो चीज देखा था. ओके, तो फिर आपने उसके पर काम किया? हाँ, उस पे काम किया था, मैंने हीलिंग कराई थी. तो आपका अस्थमा खत्म हो गया? अभी पूरी तरीके से तो हील नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि अभी कुछ सेशन और लगेंगे. ओके, पर आपको फर्क पड़ा?
उस टाइम पढ़ा था, बाद में ओके वापस वैसा ही लग रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि कुछ और चीज गहराई में जाने की जरूरत है ना? कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी तक टैप नहीं किए है, या कुछ ऐसी चीज है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई है उससे रिलेटेड, है ना? मे बी यू नीड टू डिग डीपर इनटू इट, ओके है ना? सो इसके लिए ये आपका, वैसे भी कोई भी चीज है जो क्रॉनिक होती है, जो बहुत समय से हमारे साथ होती है, कभी कभी उसका इलाज या कभी कभी उसका उपचार या उसका हीलिंग जो है प्रोसेस, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही सेशन के अंदर या दो सेशन के अंदर ही वो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन फर्क पड़ता है, असर होता है, कुछ ना कुछ अलगपन महसूस होता है, राइट? हाँ, फेल हुआ भी वो था। हाँ, सो वो आपने एक्सपीरियंस किया है, राइट? सो जो अगर आप देखो, इवन आप पास्ट लाइफ की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ में भी तो कहीं ना कहीं आप भी तो अपने एंसेस्टर रहे हैं ना, आप ही मतलब आपके मैं मतलब एंसेस्टर रहे हैं। इसी इसी इसमें हम बार बार जन्म लेते हैं, एक ही इसमें। नहीं, एक ही, मैं समझी नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मतलब कि हम ही एंसेस्टर्स, मतलब क्या कह सकते हैं, से इसी पीढ़ी में मैं तब से जन्म लेते जा रही हूँ मैम, जितने बार भी मैंने लिया है, क्योंकि उस टाइम मैं कहीं और थी, मैंने अपने आप को ब्रिटेन में देखा था, तो मैं यहाँ पे कैसे जन्म ले सकती, ये हाँ, मुझे पर सब। आपकी नहीं, तो आपकी जो भी ब्रिटेन की लाइफ है वो आपकी जस्ट बिफोर दिस लाइफ है। लाइफ्स तो आपके बहुत सारी होंगी ना, हाँ, लाइफ्स तो राइट? मेरी बहुत सारी है, पर आप कह रहे हो कि मैं ही अपने एंसेस्टर थी एक टाइम पे, हाँ ऐसा हाँ हो हाँ सकता है। तो जब आप एंसेस्टर थी, आप 3-4 लाइफ पहले थी, राइट? उसके बाद आप कहीं और भी जन्म ले सकती हो, मतलब आप जो अपनी जो लाइफ की और बात कर रहे भी हो सकती है। वो लाइफ आपने कहीं और ली, राइट? हाँ, लेकिन आपने कहीं पर भी ली हो, कोई ना कोई ऐसी लाइफ होगी जहां पर जो आपके लोग हैं, जो आसपास की चीजें हैं, जो आपकी सोल फैमिली मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रिपीट अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिलेशंस में आपके साथ जुड़े हुए होंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है कि किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई जुड़ा होता है, मतलब सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि सारे लोग जुड़े होते हैं, पर कुछ जुड़े होते हैं पास्ट लाइफ से। ओके, सो चांसेस है कि आपने भी अपना किया होगा ना? क्या मैम? देखो, आप एनीवे, ये पास्ट लाइफ का टॉपिक है, सो हम लोग पहले पास्ट लाइफ पे इतना बात नहीं करेंगे, लेट अस हम और चीजों पे बात करते हैं। बट अदरवाइज आपको सिर्फ बेसिकली ये समझना है, जो आप कह रहे हो एंसेस्टर्स या पास्ट लाइफ से कहाँ से इश्यू आ रहा है, सो जहां पर आपको उसका सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, जहां पर उसका ट्रिगर दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर में ऐसे कोई पैटर्न नहीं थे, एंसेस्टर में जब आपने पूछा या आपने उस पर ध्यान दिया तो एंसेस्टर्स में कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिखाई दिया, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा पैटर्न नहीं है और वो आपके ही किसी लाइफ में उस प्रकार की चीज आई है, तो आप उसी पे काम करें, ओके, ठीक है? उसी के ऊपर काम करिए और धीरे धीरे वो आपके लाइफ से निकल जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज को आपने हैंड रखा हुआ है अपने जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एंसेस्टर की बिलीफ भी है उससे रिलेटेड, है ना? तो वो बिलीफ शायद अभी ना खुली हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो भले ही फिर आपको वो बिलीफ का भी पता चलेगा कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ यही पास्ट लाइफ नहीं है, इसके अलावा एक एंसेस्टर की बिलीफ भी थी। और जिसकी वजह से मैं ये फेस कर रही, ठीक है? समझे? ओके, और कोई नहीं है, राइट? सो लेट अस स्टार्ट, हम लोग एक एंसेस्टर मेडिसिन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे।
आप लोग सब तैयार हैं? ओके, सब लोग शांतिपूर्वक अपनी जगह पे बैठ जाइए। हो सके तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, सो आई कैन जस्ट सी इफ आई एम फीलिंग एनीथिंग। और इसके लिए जब आप शांति से जो भी जगह पे अपने बैठ रहे ओके हैं, तो आपको अपने कोई भी इशू को लेकर, कोई भी चीज जो आपके इस करंट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में आपको इफेक्ट कर रही है, उसके बारे में आपको ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना है। ओके, सो अपने शांतिपूर्वक अपनी जगह पे बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपनी एनर्जी को सेंटर कर लीजिए। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं। सो जो भी, जिसकी भी ओपन है, प्लीज अपनी आवाज को, ऑडियो को बंद कर लीजिए। सो शांतिपूर्वक आप अपनी जगह पे बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में उस विचार पे ध्यान करिए, उस चीज पर ध्यान करिए, उस चीज पर गौर करिए जो आपको इस जीवन में तंग कर रही है या जिसके कारण आपको कुछ फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कोई फिजिकल एलिमेंट के फॉर्म में हो सकता है कोई मेंटल इश्यू हो सकता है कुछ डिसऑर्डर हो आपकी लाइफ में जो सही प्रकार से नहीं है, जिसके कारण आप अपने आप को एक प्रकार से या तो डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है या किसी को इलाज कराना पड़ रहा है। अगर ऐसा भी कोई इश्यू है, कोई भी ऐसी तकलीफ है, तो उसको भी आप अभी उसको ध्यान करते हुए, हम उसको अपना प्रॉब्लम बोलेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है। सो इंटेंशन आपकी है दैट यू वॉन्ट टू गो टू द डेप्थ ऑफ दैट प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों है। तो वह इंटेंशन जब आपके दिमाग में सेट कर लिया, आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, शांतिपूर्वक अपने शरीर के अंदर ध्यान दीजिए और धीरे 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 अपनी श्वास पे ध्यान देते हुए जस्ट फील रिलैक्स एंड काम। सो अपने शरीर से जो भी थकावट, चिंताएं हैं, उनको अभी के लिए थोड़ी दूर रख दीजिए और अपना ध्यान सिर्फ इस प्रॉब्लम, सिर्फ इस इश्यू पर जिसके बारे में आज आप विचार कर रहे हैं, उस पर रखिए। अब जब आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं, तो यह प्रॉब्लम आपके जीवन में कब से है, उस पर विचार कीजिए। सिंस वेन यू हैव इट, कब से आप उसको फेस कर रहे हैं, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से, कितना समय हो गया जब से आप उस प्रॉब्लम के कारण दुखी हैं, पीड़ित हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव दैट प्रॉब्लम, सिंस हाउ लॉन्ग दैट प्रॉब्लम हैज बीन विद यू। अब जब आपने उस पे ध्यान दे लिया कि आपके पास वो प्रॉब्लम कब से है, कितने समय से है, तो आपको ये न ध्यान देना है कि वह प्रॉब्लम के आने से पहले आपका जीवन कैसा था, किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस, किस प्रकार की चीजें, कैसी गतिविधि, किस तरह की फीलिंग्स, इमोशनली मेंटली आप कैसा फील करते थे, क्या आप खुश थे, दुखी थे, बीमारी तब आपके पास नहीं थी, तब यह इशू आपके पास नहीं था, तब यह प्रॉब्लम आपके पास नहीं थी, पर फिर भी आपके मन के विचार कैसा था, आप किस प्रकार से अपने आप को फील कर रहे हैं, आप कैसा फील करते थे, आपके अंदर कोई उमंग थी, जीवन में कुछ करने की उमंगे थी, क्या था, कैसा आपका जीवन बीत रहा। और धीरे 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 यह कब ऐसा हुआ कि आपके जीवन में परिवर्तन आया और यह प्रॉब्लम आपके जीवन से जुड़ गई। सो सिंस व्हेन हैज दिस प्रॉब्लम गॉट इन टू यू, वी हैव कम बैक टू द सेम क्वेश्चन,
जो क्वेश्चन हमने पहले रखा था कि एक प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम हमारे पास हमारे जीवन में कब से है? तो जब हमने उस पहलू की तरफ देखा जहां पर वह प्रॉब्लम नहीं थी, जब वह प्रॉब्लम नहीं थी तो हम ऐसे थे, तो तब हमें यह चीज का समझ आई कि कब से वह प्रॉब्लम सरफेस होनी शुरू हुई, कब से वह हमारे जीवन में दिखने लगी, कब से हम उसे नोटिस कर पाए, और उस समय हमारी क्या उम्र थी, कितने उम्र के थे हम उस समय जब से हमें यह प्रॉब्लम दिखाई दी या समझ में आई या दूसरे लोग उसको देख पाए। तो आपके सामने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपके जीवन में है, अब आपके पास आंसर है, यह प्रॉब्लम आपके पास कब से है, कौन सी उम्र से है और किस उससे आने से पहले आपका जीवन कैसा था। यह तीन प्रश्नों के जवाब आपके पास है। अब जब आपने इन प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए हैं तो आप इस पर विचार करिए कि अगर किसी और कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम थी क्या आपके एंसेस्टर्स में, फैमिली में, क्या ऐसा कोई था जिसके बारे में आपने सेम प्रॉब्लम उसको भी सुनी थी या उसने भी के बारे में कहा जाता था, या आपने कभी ऐसे ही सुन लिया कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम आपके नाना दादा पर नाना पर दादा में थी। तो इज देयर एनीवन एल्स इन द फैमिली हु हैज द सेम प्रॉब्लम एज यू? तो आपके पास अब यह जवाब है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके पास यह जवाब है, आंसर है कि आपकी वह प्रॉब्लम कब से शुरू हुई, किस उम्र से शुरू हुई और उसकी शुरू होने से पहले आपके जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा था। उसके अलावा आपको इसका आंसर भी मिला है कि आपके परिवार मेंबर्स में ऐसा कोई था जिसके पास सिमिलर प्रॉब्लम थी। अब हम विचार करेंगे कि जब यह प्रॉब्लम हमको होती है या हम अपने जीवन में उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी पेन है, एक्स है, फोबिया है, फियर है, किसी प्रकार की डिसीज है, जब वे हमारे जीवन में है, जब उसका रूप, भद्र रूप हम देखते हैं, तो वह किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है? जब वह अपनी उत्तम सीमा पे होता है, जब वह बहुत इंटेंस होता है, तो वह चीज, जो भी पेन है, जो भी एक है, जो भी फियर है, जो भी है बीमारी है, वो जब अपने उत्तम सीमा पे होती है, सबसे ऊंचाई पे होती है, उस समय हम कैसा महसूस करते हैं? हाउ डज इट शो इन माई बॉडी वेन इट इज एट पीक? सो आपके कई प्रश्नों के जवाब आपके मन ने, आपके एनर्जी फील्ड ने आपको दिए, जहां से आपको यह अंदाजा हो गया कि आपके अंदर एक इशू है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम आपके इस उम्र से है, इस कारण से हुई, इस वजह से हुई, और कौन आपके परिवार में ऐसा है जिसके पास वो सेम प्रॉब्लम है, और जब वह प्रॉब्लम ऊंचाई पर होती है, बड़ी भी होती है, तो ऐसा आप कैसा फील करते हैं? इसके साथ साथ जब वह प्रॉब्लम ऊंचाई पे नहीं होती या जब वो जीवन में थी भी नहीं, तो आपका जीवन कैसा था, किस प्रकार का था, किस तरीके का था? और आज जब ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आई है, तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे इसके कारण, और कैसे वह बढ़ रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और उसके कारण आप वह चीजें नहीं कर पा रहे जिन चीजों को आप अदरवाइज कर सकते थे अगर यह प्रॉब्लम नहीं होती। सो वॉट यू आर अनेबल टू अचीव बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, आप क्या नहीं कर पा रहे इस प्रॉब्लम के कारण, और अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ रही तो क्या वर्स्ट सिनेरियो होगा, सबसे ज्यादा खराब चीज जीवन में क्या होगी
अगर यह प्रॉब्लम इसी प्रकार से, इसी तरीके से आपके जीवन में चलती रही, तो यह सब प्रश्न आपने आज पूछे हैं और आपको इनके जवाब भी मिले होंगे। आपको पता नहीं कि ये जवाब कहाँ से आ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं, क्या ये जवाब सही हैं कि गलत हैं, पर आपको ऐसा महसूस हुआ इस दौरान कि कहीं ना कहीं यह इंफॉर्मेशन आपके आसपास ही तो है और जब चाहे इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है, जो इंफॉर्मेशन आपने रिट्रीव की है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम आगे इस्तेमाल करें, किस प्रकार से हम उससे बाहर निकलें, किस तरह से हम अपने जीवन में वह अचीव कर पाए जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस सिचुएशन में अटके हुए हैं, इस इशू में अटके हुए हैं, और यही इशू जो हमारी फैमिली से आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री के द्वारा आ रहा है। तो हमें आज वह परिवर्तन लाना है जीवन में और इसलिए हम वह ठोस कदम उठाएंगे और यह ठोस कदम होंगे इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, इन फॉर्म ऑफ दोज पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, इन फॉर्म ऑफ ऑल द हीलिंग स्टेटमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ सीइंग, एक्नॉलेजिंग एंड फॉरगिविंग वॉट एवर वी हैव अक्वायर्ड एंड डूइंग ऑल दोज रिचुअल्स एंड सेरेमनीज जिसके द्वारा हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ, और जब हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे तो हमारे अंदर जो भी कमी या जो भी विचार या जो भी एंगर या पेन या डिसीज है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उसका अंत। तो यह विचार के साथ वी विल वर्क ऑन दिस एंसेस्ट्रल क्लॉक, जो क्लॉक हमको यह इवेंट्स को दिखा रही और इवेंट्स को रिपीट कर रही। सो धीरे 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 जस्ट कीप द नोट ऑफ व्हाट एवर यू हैव ऑब्जर्व टुडे, व्हाट एवर यू हैव सीन, व्हाट एवर यू हैज कम टू यू, एंड देन आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप अभी एज अ सिंपल टोकन जो भी आपको जिससे भी मिला है आप वापस उसके पैरों के तले, उसके पैरों के नीचे पास उस चीज को रख रहे हैं, क्योंकि वह उन एंसेस्टर की है और आपकी नहीं। तो आज हम उस एंसेस्टर को वह सब कुछ वापस कर रहे हैं जो हमने उनसे अक्वायर किया एंड बिकॉज ऑफ विच वी आर फेसिंग ऑल दिस टर्म। सो जस्ट सी दैट द एंसेस्टर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर प्लेसिंग इट एट हिज फीट एंड यू आर ओनली टेकिंग हिज ब्लेसिंग्स एंड स्ट्रेंथ एंड रिलीजिंग हिम फ्रॉम दिस स्पेस। सो लेट हिम गो वेर एवर ही केम फ्रॉम, लेट ऑल दैट इंफॉर्मेशन रिमेन इंटैक्ट इन दिस फील्ड सो दैट यू कैन रिट्रीव इट वेन एवर यू वॉन्ट एंड टू वॉट एवर एक्सटेंट यू। और अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाकर, पैरों की, हाथों की, अपने दोनों हाथों को मलकर अपनी आंखों पर लगाइए और जस्ट ओपन टू दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। ओके, सो ये एक छोटा सा नजरिया है, छोटा सा एक वो है जो हम करते हैं जस्ट टू अक्वायर द इंफॉर्मेशन, जस्ट टू फील द कनेक्शन, है ना। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जिनको कुछ भी नहीं दिखा हो, जिनको कुछ भी समझ नहीं आया हो, जिनको कुछ भी जवाब नहीं मिला हो, कोई आंसर नहीं मिला हो, लेकिन खुरेदने का काम तो हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें उसकी तह तक पहुंचना है, राइट। और उसके लिए हमें रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर लाने पड़ते हैं। अरे वेरी गुड, अगर आपको आपका आंसर मिल गया है बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी आपने यहाँ पे जस्ट प्रिलिमिनरी एक हीलिंग की, लेकिन इसके हीलिंग के बहुत सारे तौर तरीके होंगे जिनको हम अपनाएंगे, जिनके ऊपर हम काम करेंगे और उसके थ्रू हम अपनी वूम हीलिंग करेंगे। तो उसके अंदर आई विल जस्ट शेयर जो हमारा प्रोटोकॉल्स रहेंगी, जो जिस प्रकार से हम काम करेंगे। तो ऑफ कोर्स हमने बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स की क्या स्टोरी है वो
तो रहेगी ही, उनके बारे में हम पहले जस्ट लिखेंगे, समझेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे, और फिर हम उनपे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उन अलग अलग रिचुअल्स सेरेमनीज के द्वारा हम उनसे कनेक्शन कर सकते हैं। हमारे एंसेस्टर गाइड्स भी होते हैं जो हमें इस कनेक्शन में, इस चीजों में को कार्य करने में मदद करते हैं। सो वो भी हम एक एंसेस्टर गाइड का हेल्प ले सकते हैं जो हमको मदद करे। ऑन कॉन होता है बेसिकली, यू आर मेकिंग अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉट एवर द वे यू वॉन्ट टू कॉल अपॉन द एंसेस्टर स्पिरिट्स, तो सो दैट यू कैन एक्सेस देम और आप उनसे काम कर पाओ। फिर हम उसमें अपनी लीनेज को अंडरस्टैंड करेंगे। यह जो हीलिंग फील्ड है हमारे आसपास, जिसके अंदर यह सारी इंफॉर्मेशन है, उसको समझेंगे, कैसे उसको ट्यून इन करने का, जो दिखता है उसको कैसे समझने का, उसको कैसे इंटरप्रेट करने का, और फिर हम लीनेज रिपेयर वर्क के ऊपर काम करेंगे। और जब हम लीनेज रिपेयर वर्क के ऊपर काम करेंगे तो उसके अंदर हम अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारी माइंडफुल एक्सरसाइजेस होंगी, माइक्रो ऑर्बिट, कॉस्मिक ऑर्बिट और मैक्रो कॉस्मिक ऑर्बिट, ये एक तरीके हैं जो एनर्जी मेरिडियन थेरेपीज से एसोसिएटेड है, एनर्जीज विद इन आर बॉडी, तो ये एक तरह की मेडिटेशंस हैं जो हम एम्प्लॉय करेंगे। और मेरिडियन थेरेपी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से ऑफकोर्स EFT के बारे में आप सबने सुना है, और एक और थेरेपी होती है जो टैक्ट थेरेपी बोलते हैं, तो वह थेरेपी हम करेंगे। और इसमें रिग्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल जरूर होएगा, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अपनी एज, अपने लाइफ में, अपने लीनेज में रिग्रेस करना होगा। और उसके साथ साथ हम एक एंसेस्टर्स की फॉरगिवनेस रिचुअल्स करेंगे, जिससे कि हम जो चीजों में हमको जैसा उसके साथ कार्य करना है, किस प्रकार से उसको रिजॉल्व करना है, भले ही वो प्रैक्टिस हम फॉलो करें, लेकिन हर चीज में फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी है, चीज को क्लोज करना बहुत जरूरी है। सो वी विल डू दैट। इट विल ऑल्सो वर्क अलॉट ऑन बिलीफ वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स के बहुत सारे बिलीव्स हैं, पैटर्न्स हैं, जिसके कारण वो सिचुएशंस, वो इवेंट्स, वो चीजें हमारे जीवन में आई हैं या उनके जीवन में आई थी। एंड वी विल बी ऑल्सो यूजिंग पॉजिटिव साइकोलॉजी, विच इज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, स्टेटमेंट्स, थॉट प्रोसेस एंड ऑल। तो ये हम सब काम करेंगे इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर। और उसमें हम जितने भी एंसेस्ट्रल इश्यूज हैं जो हमने इनहेरिटेड करे हैं, विच वी विल क्लब अंडर डिफरेंट फॉर्म्स, सो देर बी सम इश्यूज विच आर कंसर्निंग फियर्स एंड फोबियाज, देर बी सम इश्यूज जो कि हमारी बॉडी एक्स, फिजिकल एक्स या पेन से रिलेटेड है, देर बी सम थिंग्स विच आर रिलेटेड टू डिसीज एंड डिसऑर्डर्स विच वी कैन स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नेम ऑफ द डिसीज, देन देर विल बी ऑल्सो सर्टन इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनल आउटबर्स्ट, मे बी एंगर, मे बी फ्रस्ट्रेशन, मे बी डिप्रेशन, मे बी एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस, ऑल्सो एडिक्शंस, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इशूज और मेटीरियल वर्ल्ड इशूज विच आर इन टर्म्स ऑफ हाउ वी अक्वायर थिंग्स, हाउ वी गेट सक्सेस इन आर करियर, हाउ वी गेट सक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द मनी फैक्टर एंड विद रिस्पेक्ट टू एनी थिंग विच इज इन्वॉल्विंग मेटीरियल थिंग्स विच वी अक्वायर इन दिस वर्ल्ड। और इसमें हम एंसेस्टर बर्डन्स एंड कर्सेस के ऊपर भी काम करेंगे, सो देर मे बी सर्टन थिंग्स विच वी हैव गॉट बिकॉज हमारे को वो कर्स मिले हैं या बर्डन्स हैं जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और हमारे एंसेस्टर्स का जो अनफिनिश बिजनेस है, जो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, जो रुकी हुई हैं, जिसके कानर वह अटके हुए हैं, जो चीज आपने स्टार्टिंग में बोली, वेयर वी विल एलिवेट द डेड, सो जहां पर डेड को यहाँ नहीं रहना है, उनको वहां जाना है, और उस स्थान तक जाने में हम उनकी मदद करेंगे। सो दैट विल बी लाइक कॉल्ड एज एन एंसेस्ट्रलाइजेशन। सो यह सब हमारे इस कोर्स के अंदर कम होगा। यह 2 महीने का कोर्स है और मंडे एंड वेडनेसडे को होगा, 4 बजे होगा, और 4 से 5:30 तक का क्लास का टाइमिंग है, ऑफकोर्स जूम पे होता है। और यह पेमेंट डिटेल्स हैं जो आपको पता है, कोर्स से रिलेटेड है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं।
सॉरी। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इफ एवरीबडी हैज गॉट द आंसर, सबको किसी प्रकार का कोई जवाब या नहीं है। मैम, ड्यूरिंग मेडिटेशन आई एक्सपीरियंस एक्यूट पेन, मतलब आई हैड टू गेट अप ट्वाइस। दिस हैपेंड ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत ज्यादा पेन हो रहा था हार्ट में एंड आई वाज नॉट इवन एबल टू ब्रीथ। दो बार ही उठ के मैंने पानी पिया उतनी सी देर में। आई वाज नॉट एबल, बहुत ज्यादा एक्यूट पेन था हार्ट में। ऐसा लग रहा था कि सांस ही नहीं आ रहा है। आई वाज अनएबल टू ब्रीथ। आपको सफोकेशन हो रही थी, हाँ, सो पेन आता था बट साथ में पेन भी था। ये मेडिटेशन के दौरान तो, पर आपने जब मेडिटेशन आप कर रहे थे तो आपका क्या इंटेंशन था, क्या प्रॉब्लम को लेकर आपने किया था? मैम, एक्चुअली मेरा वेट, आई एम ओवर वेट, और जब भी मैं कुछ कम करने की कोशिश करती हूँ ना, समहाउ आई स्टॉप माई सेल्फ, और मतलब शो एम रिड्यूसिंग वेट। तो वो ही टेंशन था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इट लुक लाइक इट्स, मतलब वो उसी इंटेंशन के साथ आई स्टार्टेड डूइंग। बट आई सॉ माई एंसेस्टर्स, आई सॉ माई नाना नानी, आई सॉ माई दादा दादी, बायोलॉजिकल ओके। वो थे। हाँ जी, नहीं तो आपने उनको जो देखा तो मतलब कि आपने उनको ऐसे ही देखा कि आपके इस इश्यू से कंसर्निंग देखा? नहीं, जो मेरी बायोलॉजिकल दादी थी वो तो नहीं दिखी, बट मेरे दादाजी, मेरे नाना और मेरे नानी नानी, वो तीन दिखे इस इशू से कंसर्न। पर वो पेन इतना ज्यादा था कि वो क्या हो रहा था वो समझ ही नहीं आ रहा था। आई गॉट अप ट्वाइस तो कुछ समझ ही नहीं आया अभी। ठीक है। सो बेसिकली जैसे कि आपको आपके नाना या दादा तीन जने दिखाई दे हैं, तो वो जी तीन जनों के बारे में आपको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आई नो देम बिकॉज हाँ आई नो देम। ओके और ठीक है, आप उनके बारे में जानते हो, तो उनका जीवन कैसा रहा, किस प्रकार से उनके जीवन में चीजें थी, क्या काम करते थे? आप इसके ऊपर एक 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 डायरी लो और आज ठीक ऐसा लिखो, ठीक है? आपने यह इंटेंशन रखा कि आपको वेट इश्यू है, वेट कम नहीं होता है, आप है। कोशिश करते हो उसके बावजूद आपको कम नहीं होता, राइट? सो अब वेट कम नहीं होता या वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके कारण आप कैसा एक्सपीरियंस करते हो, और ये चीज इश्यू आपका कब से शुरुआत हुई? जब आपको वेट ज्यादा नहीं था तो आपके जीवन कैसा था, किस प्रकार की चीजें थी? तो जब वह चीजें अच्छी थी या जैसे भी थी, उसके बाद कौन सी एज में, मे बी आप अभी के एज में, 2-3 साल पहले, जो भी एज में, क्या सिचुएशन में बदलाव आया और किस कारण से या किस वजह से आपको ऐसा लगा कुछ बदलाव है, मतलब जो आपको एक्सपीरियंस आपने किया कि कुछ फर्क हो गया है, चीजें वैसी नहीं है या जैसी आप समझती थी, जैसे आपको पसंद थी या जैसे आपके जीवन में चल रही थी, उसके अंदर ऐसा क्या परिवर्तन आ गया और सडनली आपके अंदर आपने क्या एक्सपीरियंस किया उस बदलाव के कारण? सो इज इट के वो एज में आपको वेट बढ़ गया, तो वो किस प्रकार के चेंजेस, किस प्रकार की चीजें थी, किस प्रकार का अनुभव था, किस प्रकार के थॉट प्रोसेस थे? अब जब आपने ये एंसेस्टर के साथ कनेक्ट किया है, तो क्या उन्होंने भी सिमिलर सिचुएशन लाइफ में फेस की थी? क्या उनके जीवन में भी कुछ ऐसे प्रकार की स्थितियां आई थी जब उन्होंने यही चीज फेस की जो आपने आज फेस की है? अब आप में वह इस प्रकार से ट्रिगर हुआ, इस प्रकार से आया, उस समय में उनके जीवन में उन्होंने क्या किया था? क्या सोच विचार किया था, क्या थॉट था उनका, और वह थॉट आप देखो कि आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं? क्या आपने उसको अपना सत्य मान लिया है, रियलिटी मान ली? ओके, आप ओके, करके हाँ देखो फिर आप बताना। देखो जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? किसी ने लिखा है मुझे नहीं पसंद हमारे पूर्वज, ठीक है, आपको आपके पूर्वज नहीं पसंद, क्या जरूरी है
वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानना चाहते, उनके बारे में जान के आपको कुछ कुछ खुशी नहीं मिलेगी, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, तो आप जरूर मत जाने। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिस प्रकार जिनसे आप आगे निकलना चाहते हैं, जिनसे आप उभरना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आप जरूर देखें, है ना। आपके पेरेंट्स हो या नहीं हो, वही मैंने बोला कि हो सकता है इन्फॉर्मेशन का सूत्र आपके पास नहीं हो, लेकिन हमारे पास ये एनर्जी फील्ड है ना, जो हमें सब इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके थ्रू हम सबको जान सकते हैं, सबको समझ सकते हैं। ठीक है, सो ओके देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग इन, एंड होप टू सी यू ऑल। इफ यू ज्वाइन इन द कोर्स, आई विल बी हैप्पी टू हैव यू ऑल। सो वील फिनिश द क्लास हियर, राइट? ओके, थैंक यू। अभी अपना चेहरा दिखा सकते हैं आप लोग चाहें, और अगर अभी भी नहीं दिखाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, अच्छी तरह से रहिए, स्वस्थ रहिए, राइट? ओके थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, चलिए।